सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल टेस्ट के बारे में। अगर आप एक सीयूटी के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं तो जनरल टेस्ट का एग्जैक्ट सिलेबस क्या होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए, सीयूटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जनरल टेस्ट जो है उसका एग्जाम पैटर्न पूरा रिलीज कर दिया गया है कि जनरल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन जनरल टेस्ट के अंदर एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं जनरल टेस्ट की। अब देखिए, जैसे आप सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस निकालते हो तो वहां पर जनरल टेस्ट के अंदर काफी सारी चीजें लिखी होती हैं। सबसे पहले लिखा होता है कि आपके जनरल टेस्ट के अंदर 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 75 के अंदर से आपको अटेम्प्ट करने हैं 60 क्वेश्चंस, यानी कि आप जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो 60 क्वेश्चंस के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। जनरल टेस्ट के अंदर आपके पूरे 5 सेक्शंस होने वाले हैं और वो 5 सेक्शन क्या होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा देखिए, जो भी 5 आपके सेक्शन होने वाले हैं उन सभी के अंदर आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके अंदर से आपको अटेम्प्ट करने हैं 12 क्वेश्चंस, यानी कि 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आपके लिए मैंडेटरी होंगे। अब बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट की, जो कि जनरल टेस्ट का सेक्शन 1 है। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो सीयूटी की, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं जिसके अंदर जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन आपकी होगी। उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, जनरल टेस्ट आपका पूरा परफेक्ट प्रिपेयर होता है। इसके अलावा डोमेन्स की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं, आर्ट्स साइंस या फिर कॉमर्स, आप किसी से भी हो डोमेन्स की आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके अलावा लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है और जो भी मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ वो भी आपको पूरा कंप्लीट मिलने वाला है हमारे कोर्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए के अंदर क्या आने वाला है? सेक्शन ए के अंदर आने वाला है आपकी जनरल नॉलेज एंड आपकी जो करंट अफेयर्स है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आई होप आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। करंट अफेयर्स बेसिकली क्या होता है, जो हर रोज चीजें चेंज हो रही है वो सारी की सारी करंट अफेयर्स के अंदर आती हैं। अब किसी ने, मान लीजिए किसी को नए अवार्ड्स मिल रहे हैं, वो अवार्ड्स किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, पद्मश्री हो सकते हैं, कोई भी दूसरे अवार्ड्स हो सकते हैं, या फिर किसी ने नई बुक लिख दी है जो कि लेटेस्ट है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर रोज़ चेंज हो रही है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो हर रोज़ चीज़ें चेंज हो रही हैं वो सारी की सारी आपके करंट अफेयर्स के अंदर आती है। तो जो करंट अफेयर्स है वो आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जीके के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जीके के अंदर बेसिकली आपकी हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैटिक जीके हम लोग रख सकते हैं, वो जीके जो आपकी फिक्स है लेकिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक भी है, क्योंकि सीयूटी के अंदर बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर से सब कुछ नहीं आने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा डीप के अंदर आपको नहीं पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ बेसिक जीके पता होनी चाहिए। बेसिक जीके जैसे मान लीजिए आपकी जितने भी सिलेबस हैं, जैसे कि साइंस के अंदर मान लीजिए आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी हो गया, इसके अलावा जितने भी पहले के जो बुक्स हैं, पहले के जो ऑथर्स हैं, इसके अलावा मान लीजिए कोई भी हिस्टोरिक इवेंट हो गया, कोई भी डेट्स हो गई, तो जितनी भी वो चीज़ें जो फिक्स है लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी जीके के अंदर आएंगी, और जो चीज़ें हर रोज चेंज हो रही है वो सारी की सारी आपकी करंट अफेयर्स के अंदर आएंगी। और ये सारी प्रिपरेशन हम लोग आपकी करवाते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर लिखा हुआ है जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी को मैं बिल्कुल लास्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको समझने के लिए इससे पहले आपको थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग समझनी होगी, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है उसके अंदर बेसिकली लिखा हुआ है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारे क्वेश्चन जो कि नंबर से हम बोल सकते हैं रिलेट करते हैं, राइट। किस तरह के पार्ट्स इसके अंदर आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो गई जिसके अंदर आपके मिसिंग नंबर्स हैं, सीरीज कंप्लीशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा परसेंटेज हो गई जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है, मार्क्स है, शेयर्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस हो गया, इसके अलावा SCF, LCM हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह हो गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी हमारा आ जाता है यहाँ पर क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब क्वांट्स के अंदर बेसिकली क्या आता है, जो सीयूटी का होने वाला है उसके अंदर आपके बिल्कुल बेसिक मैथ्स आने वाली है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाली है। और जो आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग होने वाली है उसके अंदर देखो, जैसे अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री है, मेजरेशन है, जिसके अंदर आपकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, शेप्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं। इसके अलावा स्टेट जो आपके 8th ग्रेड तक का है वो आपके आ जाएगी। तो जो बेसिक मैथ्स है बिल्कुल वो आपको देखने को मिलने वाला है आपके जनरल टेस्ट के अंदर, जिसका सेक्शन है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन ई की। सेक्शन ई जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। आपने जो पढ़ा होगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, उसके अंदर क्या आता है, देखिए आपने अक्सर सुना होगा अल्फाबेट टेस्ट के बारे में, आपको पता होगा ब्लड रिलेशंस के बारे में, कैलेंडर्स के बारे में, क्लोक्स के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, डाइसिस के बारे में। तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे आपके आते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर। अब बात आती है हमारे सेक्शन बी की, जो एक वर्ड लिखा हुआ था जनरल एबिलिटी। तो जनरल एबिलिटी बेसिकली क्या होता है, जनरल एबिलिटी होता है कि
आप इंटेलेक्चुअल टास्क को किस तरह से देखते हो, यानी कि इस तरह के आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं और हम लोग इसको बिल्कुल सिंपली बोल सकते हैं कि भी जो सिंपल लॉजिकल रीजनिंग होती है वही आपकी जनरल एबिलिटी के अंदर आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि पांच दोस्त इस रूम के अंदर रह रहे हैं, इसका रेंट ये है, इक्वली डिवाइड करोगे तो कितना रेंट आ जाएगा, मतलब ये तो मैंने बहुत ही बेसिक बता दिया, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन, कुछ परसेंटेज निकालने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ अलग तरह के क्यूब्स के क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक छोटा क्यूब है, ये बड़े क्यूब का ये साइज है, तो छोटे जो क्यूब्स हैं वो बड़े क्यूब को कितने क्यूब्स हमें चाहिए होंगे वो बनाने के लिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ गए। तो सेक्शन बी के अंदर बेसिकली आपकी जो जनरल एबिलिटी है वो आती है, हम लोग बोल सकते हैं सिंपल लॉजिकल रीजनिंग, इसको हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरह के जो पूरा आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपको देखने को मिलने वाला है जनरल टेस्ट के अंदर। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो तो हम लोग आपको ए टू जेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन करवाएंगे, वो भी प्रोफेशनल फैकल्टी होगी जो आपको पढ़ाएंगी। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं या फिर इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उन सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं विद डिटेल्ड आंसर्स। तो आपकी प्रैक्टिस कितनी बेहतर हो जाएगी आप मतलब अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा जनरल टेस्ट के हम लोगों ने मॉक टेस्ट भी बनाए हैं, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे जनरल टेस्ट के, जिससे आपकी स्पीड बिल्डिंग हो जाएगी सीयूटी के लिए। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको डेमो रिवीजन कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे और आज से ही अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं जनरल टेस्ट के लिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप भी अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दीजिए।